ज़्यादा मैंने कहा होंगे प्रोफेशनली तालीम में आई एम नॉट दैट एजुकेटेड यू सी बट द थिंग इज दिस आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज. मुझे किसी ने कहा आपको परीक्षा लिख के देती हूँ आपको बोले. मैंने कहा मैं वो क्यों बोलूँ जो मेरा मन चाहता है. ये मेरे अपने हैं. मैं इसे अपनी जबान में बात करूंगा. मैं वो बात करूंगा जो सिंपली समझ आ जाए और पहचान जाए. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बात का किसी भी यहाँ पे जो कंपटीशन नहीं है हम आप सब अपना काम शेयर कर रहे हैं और जो जो ब्यूटिशियंस जिन्होंने मेकअप किए हेयर स्टाइल मैं उनको अलग अलग बताऊंगा. आपको इकट्ठा मैं कभी नहीं तनकीद करूंगा कि आपने ये चीज गलत की है. आपकी दिल आजारी नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ किसी की भी दिल आजारी सबसे बड़ी क्योंकि आज इधर इनकी बेटी को दुल्हन बने हुए देख रहे हैं हम. मुझे खुशी है एक वक्त था कि मैं फरजाना को दुल्हन बना रहा था वो टाइम मुझे याद है. क्लब ब्लू ने जितने एफर्ट्स लिए हैं डॉक्टर्स को और सबको जमा किया है एक प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी बात तो ये. और कहती है साकिब के आज मैं माशाल्लाह फैसलाबाद में सबसे हाईएस्ट ब्यूटी सैलून घर में बैठे हुए रुखसानाज के नाम से कमा रही हूँ और मैंने बंगला बना दिया. कहती है एक सोचें मैं 120 गज के घर से आज 500 गज के घर में रह रही हूँ. और मुझे उस औरत की बुरी बात उस वक्त बहुत ठेस पहुँची और मैं रोती आपके पास आई. लेकिन आपने समझा कि मैं कुछ कम कराऊंगी या कुछ तो मैं तो आपके पास आई थी कि उन्होंने मुझे कहा है इतनी फीस तो इतने मैंने जमा पैसे हैं आज आई नहीं है आप ले लें. मैंने कहा नहीं मैं आपको कम कर देता हूँ उसमें 10,000 ये वो. कहती है नहीं मुझे उस खातून की ये बात इतनी अच्छी लगी क्यों भी क्यों मांग रही हो हमसे कोई हमने इदारा तो नहीं क्यों हम कम करें. ये मेरी मेहनत मैं यहाँ तक मेहनत से आई हूँ अपनी हिम्मत से आई हूँ. और याद रखें कि टीचर टीचर होता है. इधर आपने बहुत अच्छे मेकअप किए हैं लेकिन बखुदा उसमें इतनी मिस्टेक्स हैं और इतनी अच्छाइयाँ भी हैं. कितने अच्छे बाल बनाए किसी ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं बहुत सब कुछ किया है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एंजी मुझे हाँ ये आपकी बड़ाई है एंजी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखिए नहीं बिल्कुल सही कहा. और मुझे एनजी की यही बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि किसी को ये मान लेना जो जिस इंसान ने कि आज तक अपने टीचर्स की इज्जत नहीं की एक्नॉलेज नहीं किया वो कहीं कहाँ नहीं रहेगा. मेरे लिए मेरा पहली दर्स का रोजी वोंग एक छोटा सा ब्यूटी सैलून जहाँ पर मैं गया एक 15 साल का बच्चा जिसे वहाँ रखा गया उससे मैं पूरा पूरी रात दिन कोम आउट करता रहता था कोम आउट करता बेस बनाता. उस औरत की इतनी मैंने खिदमत की उनके यहाँ मैंने सफाई करता. एक चीफ जस्टिस का बेटा एक जज का बेटा हो के उधर मुझसे वो झाड़ू भी लगवाती थी सफाई भी कराती अपने बच्चों के कपड़े तक मुझे कहती थी ये तुम धो के. जबकि मेरे घर में एक जज उस ज़माने में 10 नौकर होते थे. मैं उनके चुपके से क्योंकि मुझे इल्म हासिल करना था मुझे शौक था मुझे अपने काम का शौक था. मैं तो हम आप बहुत मेहनत कश लोग हैं और बहुत हम इज्जत वाले लोग हैं. हमारा पेशा बहुत इज्जत वाला है और क्यों नहीं हम इस चीज़ को मानते हैं. हम मानेंगे तो हमारा ही सक्सेस है. और जेलसीज ना करें. आज एनजी जिस मकाम पे एनजी मेरे से ज़्यादा ही होगा उसके पास सब कुछ अल्लाह और दे उसको. लेकिन उसने मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि एक्नॉलेजमेंट कि मैंने ये अपने की भाई से सीखा है तो उस पर उसकी बड़ाई है. आज देखिए मैं उधर सोफा सेट पे बैठा हूँ ये स्टेज पे बैठी हैं तो अल्लाह ने उसकी कमी तो नहीं दी इसकी इज्जत में. ये माने मेरी बात कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें. मसूद को मैंने कहा तो मसूद ने भी तो एक मेहनत की है ना यहाँ तक आने के लिए. ये तो नहीं कि सिर्फ हमें ही लोग सबसे ज़्यादा समझें. क्यों नहीं जितना आप फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है. और मैं आपको बताऊँ मेरे नज़दीक तो एक आइडियल औरत जो है वो सबिया साकिब है. नहीं कि मेरी बीवी है जिस कदर उसने मेहनत और इज्जत से जो वो फोटोजेनिक खातून हैं उनको बहुत ऑफर्स थी ज़िंदगी में एज अ मॉडल बनने की. उन्होंने पेप्सी का शूट इसलिए छोड़ा कि वो स्लीवलेस कपड़े मुझे पहनने मैं नहीं पहनूंगी इतनी मजबूरी नहीं है मेरी
कि मैं वो पेप्सी पीते हुए और वो उसके मॉडल के या किसी भी शैम्पू के ऐड में मैं नहीं करूँगी। एक मैंने अपने सर्टन उसूल बनाए ज़िंदगी। तो हर एक इंसान जो अपने उसूल और अपने उन चीज़ों को लेके चलता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। प्लीज़ आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो आज इधर एनजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही है ना, बिलीव इट और नॉट, एनजी ने मैंने कितने लोगों को सिखाया है, तो कभी भी हमारे अंदर कमी नहीं आई। आप देखिए, मैं आज जो एनजी का मेकअप करीब से देख रहा हूँ इतने दिनों बाद, वो और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। थोपना मेकअप नहीं है, मेकअप तो वो होता है कि जो ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके नज़दीक ये बस कम कम नज़र आ रहा है ना, लेकिन आप क्लोज देखें और इसकी जो ब्लेंडिंग की डेप्थ देखें, दिस इज़ मेकअप। आई पर्सनली कॉल दिस इज़ मेकअप। वो मेकअप नहीं है जो बहुत लाइनें खींच दी हैं और वो मेकअप है। अच्छा, अब सबिया की सादगी से वो कहती लिपस्टिक नहीं है मेरे पास, सुबह का मेकअप किया हुआ, ये वतीन चैनल के लिए काम कर रही थी, तो सुबह से नमाज के बाद जो ये काम में लगी हुई और गई, आउटडोर था क्या था, तो वो मुझे कहती है नहीं मैं आप जाएं, मैं इधर बैठती हूँ ना, मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो एक हर एक की अपनी वो होती है। ये वो खातून है कि एनजी कहती है कि मैंने इतनी ज़िंदगी में आज तक इसे किसी के मरने पे भी देखा है, तो वो अपना एक स्टाइल है, अपना एक उसकी आदत है कि वो एक रिप्रेजेंट करती है अपने काम को, एक अपनी ड्रेसिंग सादगी में रहेगी। लेकिन आप जिस प्रोफेशन से हो, बाल, फेस, आपकी क्लींजिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मैं कोई किसी को तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभी आप प्रोफेशन में आते हो उसको आप रिप्रेजेंट करो। अच्छाई बुराई आपके अपने अंदर है, बस हम सब बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि हम मेहनत ही करते हैं। मुझे देखें, मैं अपने एक जहनी माजूर बच्चे को छोड़ के जब सुबह को काम पे जाता हूँ तो मुझे पता है अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी अपनी मेहनत से कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ी सी इनको नॉलेज चाहिए, कि इनको नो हाउ जरूर होना चाहिए कि कौन सा फैंटेसी है, कौन सा स्टेज मेकअप है और कौन सा ब्राइडल है। अगर आप सब ये सीखना सीख लें कि किस तरह से कौन से सेगमेंट में किस तरह का मेकअप है, तो मेरे ख्याल सबसे अच्छा मेकअप हम पाकिस्तानी ही करते हैं। तो मेरे ख्याल टैलेंट तो सबके पास है, सिर्फ उसको थोड़ा सा टेक्निक्स चाहिए आपको कि किस तरह की टेक्निक से आप मेकअप करें। की जाने से सबके भाई और सभी भाभी को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आज इन्होंने भी इस क्लब को अपना ही समझ के ये सारे ऑफर दिए, और आप लोग की खुशी से भी है कि साकिब भाई ने इस प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी ऑफर दी, और उनका काम तो आपको इंशाल्लाह खुद ही पता ही है। एनजी मार्शल, the senior most, an expert beautician, hair stylist, और क्या खूबसूरत हेयर कट देती हैं, ये तो सभी को पता है। एनजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बड़ी पैशनेट हैं अपने काम में। जैसे कि साकिब भाई ने कहा कि उन्हें भी बचपन से 15 साल की उम्र से पैशन था इस काम में, और कोई काम में भी परफेक्शन नहीं आती जब तक पैशन ना हो, और यही की टू सक्सेस है साकिब भाई, सबिया भाभी और एनजी मार्शल का। इनके बाल कैसे होने चाहिए, अभी क्या सोच रही हैं, मेकअप कर रही हैं, साथ साथ ये सोच रही हैं कि मैं बाल कैसे बनाऊंगी, इनके बाल ये कैसे बनाएंगी, अब ये तो इतने लंबे बाल हैं, है ना।
थोड़े थोड़े गीले भी हैं, क्या करेगी अभी बेचारी, इसने पहुंचना भी है, सब लोग बाहर गाड़ी में बैठे शोर मचा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, हाँ अभी क्या करें, ये करेगी कि किसी के पास कुछ आइडिया है ये क्या करेगी, इसके बाद हल्के गीले हैं अंदर से सारे, और सुबह जल्दी में ऑफिस गई थी नहा के तो इसको टाइम नहीं मिला कि सही करती, ठीक है मगर ये जेल करे कि जेल भी नहीं है घर में, क्या करें, चलो हम ऐसा करते हैं कि अब ये अपने बालों को टाई कर लेगी, टाई कर लेगी मगर इसके पास तो वो भी नहीं है रबर बैंड भी नहीं है, और इसके पास पड़ा हुआ है जूड़ा पेंस, अभी जूड़ा भी नहीं बनाना चाह रही, आंटी लगेगी है ना, हाँ रिश्ता होने से पहले वो कहेंगे लड़की तो बड़ी है, सो व्हाट शी इज गोइंग टू डू इज शी इज गोइंग टू ट्विस्ट हर हेयर, ठीक है इसको ट्विस्ट किया, इसको यहाँ लाई बालों को, ठीक है और नजर आया अभी जो ये जो पेंस है ना ये कैचर का काम कर रही है, कैचर तो नहीं था टूट गया सुबह संडे बाजार है लेके जाके, ये जो आप देख रहे हैं ये विद इन मिनट्स का एंजी मार्शल ने मेकअप और हेयर स्टाइल बना, मेकअप और हेयर स्टाइल कैसे बन सकता है स्पेशली वर्किंग वुमन के लिए, कि थोड़ी सी ही देर में हल्का फुल्का मेकअप और अपना हेयर स्टाइल किस खूबसूरती से बनाए, ये बहुत खूबसूरत डेमो दिया था डॉक्टर्स और ब्यूटिशंस की ये वर्कशॉप में जो कि कंडक्ट की गई थी क्लब ब्लू वेमेन क्लब की जानिब से पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में। डेडिकेशन हम सब में होनी चाहिए बिकॉज अगर हम इधर से उधर से उधर छलांगे लगाते रहे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते और ना हमारे एक एक इज्जत और एक मुकाम होता है, जब हम एक जगह पे रह के कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो उस वक्त का जो वक्ती फायदा होता है जिसके लिए हम अपना सारा कुछ छोड़ के आगे भी चले जाते हैं, फिर बाद में जब हम बहुत सालों बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने किस थोड़ी सी चीज के लिए कितना बड़ा सब कुछ खो दिया, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिल लगा के मेहनत से काम करें और वक्त ही फायदा ना देखें बट फिर लॉन्ग टर्म सोचें, ठीक है थैंक यू करके आप लोग प्लीज दोबारा वापस आ जाइए कि फिर हम एजी का ब्राइडल मेकअप डेमो शुरू करना चाहेंगे, प्लीज आप लोग अगर आप लोग अभी चाहते हैं विदाउट हाइटिंग तो भी हम कर सकते हैं, मगर फिर हाइटिंग अभी आपको आराम से आधा पौना घंटा तो यकीनन लगेगा, तो वो आप क्या कहते हैं आप लोग की मर्जी, देखिए आप लोग से हम लोग कहते हैं मेजोरिटी आप लोग प्लीज इस साइड से हाइटिंग साथ वाले डोर से हाइटिंग एंजॉय कीजिए। अभी ये प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आप एंजी मार्शल का ब्राइडल मेकअप जो एक्चुअल वो अपने सैलून में करती हैं नॉट ए डेमो, वो करके दिखाएंगी आपको कितना खूबसूरत ब्राइडल मेकअप बाय एंजी मार्शल है, तो देखना मत भूलिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स देना ना भूलिएगा क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, तो अगले वीडियो तक के लिए जो कंटिन्यूएशन की है इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।